क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.4 का सेकंड क्वेश्चन आज हम देख रहे हैं। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबो व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो हमने क्वेश्चन 1 में सॉल्व किए हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, उनमें से जो टर्मिनेटिंग है उनका हमें डेसिमल एक्सपेंशन करना है। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट पहले देखते हैं। जो कि टर्मिनेटिंग है, हम उसका फैक्टराइजेशन देख चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। दिस वॉज 13/5 तो हमने क्या डिसाइड किया था, ये 2 या 5 के फॉर्म में है तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग है। अब इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, का रूल क्या है ध्यान से देखिए। जो नीचे 5 है इसका हमें 10 करने के लिए क्या नंबर चाहिए, 2। तो हम क्या करेंगे यहाँ, 2/5 सेम, और जो डिनोमिनेटर में करेंगे वही न्यूमिनेटर में करेंगे। ध्यान रखिए यहाँ 5/3 होती तो हम 2/3 कहते। जो 5 है वही 2 होना चाहिए, और जो आप यहाँ ऑपरेट करो, नया नंबर इंसर्ट करो, तो वो बैलेंस करने के लिए न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखिए स्टूडेंट, ये आ जाएगा 13/2 मीन 16 × 2 = 32। अब इसको हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 × 2, और पावर को हम ले लेंगे कॉमन। हमने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन करके 5 जो पावर है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से कॉमन ले लिया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो आ रहा है 13 × 26 एंड दिस इज 416, यस इट इज़ कमिंग 416 अपॉन 10^5। ओके स्टूडेंट, अब देखिए बिल्कुल आसान है, मैं 0 पूरे हटा दूं तो ये आ जाएगा 0.00416 1, 2, 3, 4, 5 से। तो दिस इज़ अवर आंसर। मतलब बिना किसी डिवीजन के पहले हमने चेक किया ये टर्मिनेटिंग है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में कर चुके थे। फिर हमने जितने 5 हैं उतने 2 दिए, अगर यहाँ 2 होता तो उतने हम 5 देते ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, और इसको हमने चेंज कर लिया, दिस इज़ द आंसर। नाउ स्टूडेंट, इसको देखें हम सेकेंड पार्ट को। तो यहाँ हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया था 2^3 मतलब टर्मिनेटिंग था 2 के फॉर्म में, तो हम बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या करें, उतने ही 5 के मल्टीप्लाई कर दें ऊपर एंड नीचे। क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल है कि आप LHS में जो करेंगे वो RHS में करना है, जो डिनोमिनेटर में करोगे वो न्यूमिनेटर में करना है। तो दिस इज 17 × 125 और ये आ जाएगा 2 × 5 और कॉमन 3। यहाँ मैं न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ रहा है 2125 और ये 2×5 = 10^3 यानी कि 1000। अब यहाँ 0 में रिमूव करूँ तो 1, 2, 3 तो मीन्स हमारा आंसर क्या आएगा 2.125। तो दिस इज द आंसर डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट 15/1600। तो देखिए स्टूडेंट, ये रिड्यूसेबल है तो पहले हम रिड्यूस करें 5 × 3 = 320 तो नाउ स्टूडेंट हमारे पास जो फ्रैक्शन आ गया है 3/320 तो पहले हम इसको फैक्टराइज करें, बट इसका फैक्टराइजेशन हम पिछले पार्ट में कर चुके हैं तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसको। देखिए 3/2 × 5 ये हमने जो फर्स्ट पार्ट में टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डिसाइड किया था तो उसमें मैंने ये निकाला था, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2/6 × 5। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ हम क्या करेंगे 3/2 × 6 और 5 है तो जितने डिनोमिनेटर में 2 हैं उतने 5 होने चाहिए। मतलब यहाँ पर 2/6 है, यहाँ 5 1 है तो हमें और कितने चाहिए, 5 चाहिए, 5/5। तो जो डिनोमिनेटर में करेंगे वो हम न्यूमरेटर में करेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा कि मैथमेटिक्स का रूल क्या है, LHS में जो करो वो RHS में, जो डिनोमिनेटर में करो वो न्यूमरेटर में। तो ये हमने चेंज यहाँ पर किया है, और ये क्यों किया है, ताकि हमारे पास जीरोज आ जाए। अब यहाँ ऊपर वाले को तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर में, जो न्यूमरेटर में दिया है 3 × 5 जो होता है 3125 एंड दिस वन इज 2/6 × 5/6 और यही हमारा पर्पस था कि ये सेम आना चाहिए। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आ रहा है 9375 एंड दिस इज अपॉन 2 × 5 × 10^6
लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से हमने पावर को यहाँ कॉमन ले लिया। नाउ स्टूडेंट्स को मैं ओपन करूँ तो ये होगा 9375 और इसको मैं 2 × 5 तो 10^6। अब यहाँ 10^6 यानी कि मैं हटाऊँ इसको तो 0.00935 10 मतलब 06 है, हमने इसको रिमूव किया और यहाँ डेसिमल लगा लिया तो ये है हमारा डेसिमल एक्सपांशन, दिस इज द आंसर। नाउ स्टूडेंट देखिए 6th, 8th and 9th पार्ट हम कर रहे हैं, बाकी जो है नॉन टर्मिनेटिंग थे तो ये टर्मिनेटिंग है तो इनको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट ये 6th वाले में 23/2³ and 5² अब यहाँ मैंने क्या बताया स्टूडेंट, ध्यान से देखिए इसको बैलेंस करना है, 2 की जितनी पावर है 5 की भी उतनी पावर होनी चाहिए, यहाँ 5 की 2 है तो हमें एक्स्ट्रा 5 इंसर्ट करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। क्यों करना है? ताकि ये इक्वल पावर होके लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से ये मल्टीप्लाई हो जाए और ये जीरोज आ जाए। अब पहले हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है 115/ यहाँ हो गया 2^3 एंड 5^3 तो इसको हम लिख सकते हैं 115/2 × 5³ क्योंकि ये पावर जो है क्या होगा कॉमन हो जाएगी तो दिस विल बी 115/1000 क्योंकि 10^3 मीन्स क्या हो गया 1000। अब इसको मैं रिमूव करूँ ज़ीरो को तो डेसिमल क्या आ जाएंगे 1, 2, 3 यानी कि 0.115 दिस इज द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दिस 6th पार्ट, दिस इज द आंसर। नाउ स्टूडेंट 8th पार्ट देखिए ध्यान से, ये डायरेक्ट ही आ जाएगा, इसको मैं रिड्यूस करूँ तो 3 × 2 एंड दिस इज 3 × 5 तो यहाँ आपको डायरेक्ट ही डिवाइड कर सकते हो बट आपको डिवाइड अगर नहीं करना है तो मैंने क्या रूल बताया है कि जितना 5 है यहाँ 5 है तो यहाँ हमें बैलेंस करने के लिए 2 और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस इज 4 दिस इज 10 तो बिना डिवाइड किए भी आ गया 0.4 दिस इज़ अ डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दिस 8th पार्ट, दिस इज द आंसर। नाउ स्टूडेंट 9th पार्ट देखिए, इसको भी रिड्यूस कर दें 5 × 7 देन 5 × 1 तो ये तो हमें डायरेक्ट ही आ रहा है, हम 0 रिमूव कर दें तो क्या आएगा आंसर 0.7 तो दिस इज़ अवर आंसर डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दिस 9th पार्ट।